दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ बर्फानी धाम। ठीक है, हम बर्फानी धाम जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहेगा वीडियो में। तो दोस्तों बस हम पहुँच रहे हैं बर्फानी धाम, आप देख सकते हो पहुँच ही गए। ये देखो, ये जो लाइटिंग दिखाई दे रही है ना प्रवेश द्वार पर, वही है बर्फानी धाम। देखिए, और वहाँ बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि सिर्फ स्कूटी या बाइक ही जा सके। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है प्रवेश द्वार बर्फानी धाम का। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं हम लोग। हम पहुंच चुके हैं बर्फानी धाम माँ पाताल भैरवी मंदिर, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ का दृश्य कुछ इस तरह से है, चारों ओर लाइटिंग लगाए गए हैं मंदिरों में, और भीड़ जैसी होनी चाहिए थी वैसी है नहीं। नहीं तो प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोगों की संख्या होती थी, वो ऐसा आज नज़र नहीं आ रहा है। खैर देखते हैं, अभी इस लगभग 9:30 ही बज रहे हैं, 10-10:30 तक देखते हैं, अगर माहौल बनता है तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ आ ही गए हैं तो आप लोगों को माँ पाताल भैरवी के दर्शन भी करा देते हैं, आ गए हैं तो चलिए दोस्तों अंदर प्रवेश करते हैं और माँ पाताल भैरवी का दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर। जय माता दी, जय जय माता दी। देख सकते हैं भीड़ कितनी है अंदर माता के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। जय माता दी जी। तो दोस्तों देख सकते हो ये ऊपर भी माताएं विराजित हैं, यहाँ पर कौन कौन सी माता है दिखाते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, जो लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त किए हैं शरद पूर्णिमा के लिए। ऊपर शिव जी हैं, वहाँ भी दिखाएंगे, पहले चलिए अंदर का दृश्य देखते हैं। जय माता दी, जय जय माता दी। तो देख सकते हैं ये सामने गणेश जी विराजित हैं। जय गणेश भगवान, जय माता दी, जय माता दी, जय बाबा, जय माता दी, जय माँ, जय 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 माँ, जय माता दी, 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 जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अब चलिए ऊपर चलते हैं, भगवान शिव के भी दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए, बम बम भोले हर हर महादेव, देख सकते हैं आप शिव जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है, विशालकाय। लाइव ज़रूर देखिएगा कभी, ज़रूर आकर, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पर एकत्र हैं, 12 ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं। जय बाबा, जय जय। तो ये सभी ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हैं, आप दर्शन का लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं आप चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। श्री रामेश्वरम, जय 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 भगवान, जय भोलेनाथ, आपकी जय हो। तो दोस्तों अब चल के बाहर चलते हैं। तो ये देखिए, ये बाहर जो नंदी जी हैं और उनके नीचे हनुमान जी का मंदिर है। ये जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, राम दरबार लगा हुआ है।
और ये ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है दृश्य। देखिए यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होना था लोक कला मंच के द्वारा, लेकिन लेट हो रहा है और 10:30 लगभग बज चुके हैं, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि लगता है आज बहुत लेट हो जाएगा। हम यहाँ पर सभी भीड़ को इकट्ठे हुए देखकर उसका वीडियो बनाने आए थे, लेकिन अब तो मुश्किल है। तो दोस्तों अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं, आपको वीडियो पूरी तरह से नहीं दिखा पाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, घर में कोई है भी नहीं, भिनी अकेली है, तो ऐसे में हमको वापस जाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि थोड़ा लेट आएंगे 12 बजे के आसपास, तो पूरी भीड़ वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से दिखाएंगे, किस तरह से खीर का वितरण होता है, जड़ी बूटी युक्त खीर का आज वितरण किया जाता है यहाँ से बर्फानी धाम में। हम उसी के लिए आए थे, उसी का रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, पर अब नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो देख सकते हो आप, अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाय बाय। आप लोग देख सकते हो हम निकल चुके हैं बर्फानी धाम से, अब हम अपने घर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।